एनएस न्यूज। संभल के थाना धनारी गेट पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के प्रमुख सचिव ऋषिपाल सिंह के आह्वान पर मंडल के उपाध्यक्ष महाराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस की कार्यप्रणाली एवं राजस्व विभाग की मिलीभगत से किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ये जो आज धरना हमारा शुरू हुआ है धनारी में, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज मासिक पंचायत भी हमारी होती है और धरना भी आज अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया गया है। उसमें 10 मांगों को लेकर पहले SDM गुन्नर को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया SDM ने, तो इसको लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर धरने में पुलिस प्रशासन जो है भूमाफियाओं से मिला हुआ है और गरीबों की जमीन कब्जा करा रहा है उनके द्वारा। राजस्व विभाग की बहुत समस्याएं हैं, चकबंदी प्रक्रिया में बहुत अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, किसानों को चकबंदी में न्याय नहीं मिल पा रहा है, और भी राशन कोटे के प्रस्तावों को लेकर भी है, और भी काफ़ी समस्याएं क्षेत्र से संबंधित बिजली की समस्याएं हैं, सभी को लेकर हम यहाँ बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना आज हमारा शुरू हो गया है। जब तक संबंधित समस्याओं से अधिकारी हमारे बीच में नहीं आते विभाग के, तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। इसी बीच में हमारी 4 तारीख को संभल में बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है किसानों की, उसमें अगले आंदोलन की रूपरेखा हम तय कर